हेलो स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्सज ठाकरानी को। आशा करता हूँ आप सब इसको इस चैनल को ध्यान से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 6 का संस्कृत का पहला पाठ जो मैंने पढ़ा दिया था उसके प्रश्न उत्तर लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ण संयोजनेन पद लिखत, यानी कि वर्णों को जोड़ करके पद यानी कि शब्द लिखिए। अब देखो, च प्लस ए प्लस श प्लस ए क प्लस ए, च ए च श ए श क ए क, चषक क्या बन गया, ये चषक बन गया, स प्लस ओ प्लस च प्लस ई क प्लस ए, तो ये बन गया सोचिक। इसी तरह श उ न ए क ओ, तो शुनको, ध आ व ए त ए ए, तो धा व त धावत, व री द ध आ वृधा, तो वृधा बन गया ये। तो इसी प्रकार ग आ य न त ई, गाय न ति गायंती, तो ये शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार इसका अब आगे दूसरा भाग आता है, पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित, यानी कि अब जो शब्दों के अंदर जो वर्ण का प्रयोग हुआ है उनका वर्ण विच्छेद करके दिखाइए, प्रदर्शित कीजिए। उदाहरण बताया, यथा जैसे लघु, लघु में ल प्लस ए तो ल, और इसमें घ प्लस उ तो घु लघु, तो सीव्यति स प्लस ई व प्लस ए प्लस य, और देखो य के बाद में ए व और य के बीच में जैसे प्लस का निशान आ रहा है वैसे ही ए प्लस य प्लस ए आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना, ये मैंने गलती से लिखना भूल गया, तो आप ये इसको सही कर लेना। त प्लस ई तो ती बन गया, सी व यति सी व्यति बन गया, वर्ण वर्ण तो व प्लस ए ऋण आ वर्ण, इस प्रकार आपने आगे करते जाना है। कु करो कुकरो, कु क प्लस उ कु क क उ कु र ओ रो, र प्लस औ तो रो रो, इस प्रकार कुकरो बना बालका, ब प्लस आ ल प्लस ए क प्लस का, तो बा ल का बालका ना। इस प्रकार आगे प्रश्न नंबर 2 आता है, इसमें क्या है, उदाहरण दृष्ट्वा रिक्तानि पूरयत, उदाहरण देख करके उदाहरण देख कर रिक्तानि के पूर्ति करो। जैसे यथा उदाहरण दिया है, चषक है चषको चषकः, इसी प्रकार बलिवर्धो लिखा है, बीच में क्या लिखा है रेड पेन से बलिवर्धो लिखा है, अब जो ब्लू पेन से लिखे हैं वो आपके रिक्त स्थान हैं, तो बलिवर्ध है बलिवर्धो बलिवर्धा, शुनक है सुनको सुनकहा, मृग है मृगो मृगहा, सोचिक सोच सोचिको सोचिकहा, मयूर म्यूरो म्यूरहा, तो ये शब्द बने। आप इसको अपनी नोटबुक में इस प्रकार कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत, अब स के ऊपर बिंदी आएगी, वो लगाया नहीं, आप इस पर बिंदी लगाना, स के ऊपर बिंदी आएगी, संस्कृत पदानि लिखत, ठीक है। तो ये क्या है कि आपकी बुक के अंदर ये जो प्रश्न नंबर 3 दिया है उसके आगे उसके अंदर प्रश्न के अंदर आपको चित्र दिए गए हैं, तो पहला चित्र है वो गज का है, दूसरा काक है, तीसरा चंद्र, चौथा ताल है, ताला, ऋष रींच, ऋष रींच, बिड़ाल है बिल्ली बिलाव, ठीक है। तो ये शब्द आपको इसके अंदर है दिए, शब्दों की फोटोएं दी है, चित्र दिया हुआ है, वो आप इस दे सकते हैं। अब फिर इसी प्रकार प्रश्न 4 नंबर आता है, उसमें क्या कहता है, चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, अब चित्र देख करके आपको उत्तर लिखने हैं, तो ये भी आपकी बुक के अंदर आपकी जो पुस्तक है उसके अंदर फोटोएं चित्र दिए गई हैं,
उन चित्र को देख करके आप उसके उत्तर देना है। बालक किम करोति, तो बालक बालक है पठती, बालक है पठती। अश्व किम कुरत है, तो अश्व घोड़ा क्या कर रहा है, अश्व जो घोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, तो अश्व धावत है, घोड़े दौड़ रहे हैं। कुकुरहा किम कुरवंती, जो जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, कुकुरहा भुकंती, भौंक रहे हैं कौवे कुत्ते सॉरी हैं। तो छात्रों किम कुरत है, छात्र हो जो छात्र है विद्यार्थी है वो क्या कर रहे हैं, छात्र हो पठत, छात्र पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार कृषक किम करोति ही, जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, कृषिका क्षेत्र कर्षति, क्या है किसान है वो खेत के अंदर खेत जोत रहा है खेत को। गजो किम करोत, जो गज है वो क्या कर रहे हैं, गजो चलत है, आते चल रहे हैं। अब इसी प्रकार पांच नंबर क्वेश्चन है, पदानी संयोज वाक्यानी रचत, तो जो पद हैं उनको आपस में मिला करके वाक्य की रचना करनी है। तो ये जो रेड पेन से लिखे हैं ये आपके प्रश्न नंबर प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप आपस में मिला करके है ना, ये जो गज लिखा है नर्तंती गायती पठत चलंती, ये अलग लिखे हैं, उनको जोड़ करके गज के आगे क्या आना चाहिए, गर्जत आना चाहिए कि चलंती आना चाहिए पठत आना है, वो आपको देख करके लिखना है। जैसे उत्तर में दिया है गजहा चलंती, सिंहो गर्जत, गायक गायती, बालको पठत, मयूर नृत्यंती। तो ये शब्द है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ये आंसर है। अब नंबर छः आता है, छः नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मंजूसात पदम चित्वहा, पदम पदम क्या होता है शब्द, चित्वहा रिक्तस्थानानि पूरयत, जो मंजूसा ये जो आपकी उत्तर मालिका दी हुई है उसको देख उसमें से चुन करके शब्दों को चुन करके आपको रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है। जैसे क्या लिखा है, पहला है नर्तयति गर्जत धावती चलत फलंती खादती, तो अब मयूरा है, मयूर इसमें से आपको ये जो ऊपर वाली जो अंडरलाइन लिखी है नर्तयति गर्जत धावत चलत फलंती, इसमें से आपको उत्तर लेकर लिखना है। तो मयूरा क्या कहते हैं, मयूर क्या करता है, नर्तयंती नाचता है, गजो चलत वृक्षा फलंती, वृक्ष में फल देता है, वृक्ष फल होते हैं, सिंहो गर्जत जो शेर होता है वो गर्जना करता है ना, गरजता है, वानर खादती वानर खाता है, अश्व धावती जो घोड़े होते हैं वो दौड़ते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर सात आता है, अब प्रश्न नंबर सात में क्या कहता है, स तो ते इतेभ्या उचितम सर्वनाम पदम चित्वहा रिक्तस्थानानि पूरयत। अब कहता है स तो ते, ये क्या है, स तो ते क्या होता है, ये सर्वनाम शब्द होते हैं, इनको उचित सर्वनाम पद को चुन करके, किन से, सह तोते को चुन करके, किसके आगे सह आएगा, किसके आगे तो आएगा, किसके आगे ते आएगा, ऐसे शब्दों को चुन करके आपको रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है। जैसे अश्व धावती, अब अश्व की जगह क्या आना चाहिए, घोड़े की जगह क्या आना चाहिए, स, तो स धावती उदाहरण में बताया। तो क्या नंबर क्या आता है, गजा चलती गजा चलती, अब गजा स तोते तो ये ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो क्या आ गया, बहुवचन है ये, तो चलंती। जैसे पठ पठ पठती पठन पठ सी पठ पढ़ती पठ सी पठ पढ़ती, तो अंति आ रहा है, अंति क्या होता है, बहुवचन, तो बहुवचन आता है तो उसके बहुवचन के साथ में क्या आएगा, सह तो ते आएगा। छात्रो पठत, अब दो छात्र हैं, दो मात्रा लगी है छात्र के ऊपर देखिए, तो ये क्या है, द्विवचन है, क्या है, द्विवचन है, तो स तो ते, तो यहाँ क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो आएगा, ठीक है, तो पठत। इसी प्रकार आगे क्या आता है, वानरहा किरड़यंती, अंति आ गया, तो ये क्या है, बहुवचन है, तो क्या आएगा, ते आएगा। इसी प्रकार गायक गायती पठती पठत पठंती, है ना, तो पठती गायती गायती गायत गायंती होता है, तो गायती एक वचन है, तो गायक क्या है, एक वचन है, तो स। मयूरा नृत्यंती, अब देखो अंति शब्द आ गया लास्ट में, नृत्यंती के अंदर क्या अंति शब्द है, तो ये क्या है, अंति शब्द क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ क्या आएगा, मयूरा की जगह ते नृत्यंती।
तो ये हमारे प्रश्नोत्तर थे। अब आप इसको सुंदर सुंदर अपनी राइटिंग में, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। बार बार आपसे ये अपील की जाती है, बेफिजूल में आप बाहर ना घूमें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें।